क्या आपको पता है टाटा ग्रुप प्लान कर रही है 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आसाम में, और ये इन्वेस्टमेंट होगी नॉर्थ ईस्ट की पहली सेमीकंडक्टर प्लांट की जिसे टाटा ग्रुप बनाने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे और ये सेमीकंडक्टर प्लांट आसाम में कहां एस्टेब्लिश होगी और इससे आसाम में क्या इम्पैक्ट होगा इस बारे में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों 8 दिसंबर 2023 को असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने इस प्रोजेक्ट का खुलासा किया जिसमें कहा गया टाटा ग्रुप बहुत जल्द एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग प्लांट एस्टेब्लिश करेगी असम में और इस प्लांट के लिए टाटा ग्रुप खर्च करेगी 40,000 करोड़ रुपए। ये ग्राउंड ब्रेकिंग मूव सिर्फ असम के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को बूस्ट ही नहीं बल्कि इंडिया के सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज में भी बड़ा छलांग होगा। अभी इस प्रपोजल को सेंटर को सबमिट किया गया है और फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। टाटा ग्रुप स्टेट गवर्नमेंट के साथ फ्रूटफुल डिस्कशंस के बाद अब सेंटर से बात कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट असम को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाएगा। असम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पॉलिसी जो कि स्टेट कैबिनेट ने अगस्त 2023 को अप्रूव किया था, जो एक महत्वपूर्ण कदम है असम के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के सफर में। ये विजनरी पॉलिसी स्टेट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी और साथ ही इंडस्ट्रीज के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रदान करेगी जिससे इन्वेस्टमेंट के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज और असम को एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के हब के तौर पर स्थापित करेगी। असम में सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग प्लांट का सेटअप होने से कई पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये प्लांट कंट्रीब्यूट करेगा रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में सुधार करेगा। इसके अलावा इससे जुड़ी रिलेटेड इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा और साथ ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी कंपनियों के कोलैबोरेशन। अगर बात करें इस प्लान के लोकेशन की तो इसे मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के जागी रोड में बनाया जाएगा जो असम की लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी से लगभग 55 किलोमीटर दूर है और एम्प्लॉयमेंट के लिए इस यूनिट में 1,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। टाटा ग्रुप के द्वारा राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली और पैकेजिंग प्लांट स्थापित करने की संभावना एक उम्मीद भरी योजना को दर्शाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।